पानी रोजी रोजगार शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था करे। सरकार को हम इसलिए वोट नहीं देते हैं, सरकार को हम इसलिए टैक्स नहीं देते हैं कि हमारे मोहल्ले में आकर के ही ढोल बजा करके हमसे पूछे कि बताओ कौन कौन नागरिक है कौन कौन नागरिक नहीं है। जिस काम के लिए वोट दिया है वो काम कीजिए, लोगों को परेशान नहीं कीजिए, ये हमारी लड़ाई है। इसीलिए मैं आप तमाम लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूं कि ये लड़ाई एक दल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई चुनाव जीतने या हारने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई इस देश की जो बुनियादी पहचान है जिसको हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, उस पहचान को बचाने की लड़ाई है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई है जिसकी प्रस्तावना कहता है कि हम भारत के लोग, वह जो हमारी भारतीयता है, वह जो विविधता में एकता है, उसको बचाने की लड़ाई है। यह एक दल का सवाल नहीं है, ये हम सब का सवाल है, ये एक धर्म का सवाल नहीं है, ये हम सब का सवाल है, ये एक पहचान का सवाल नहीं है, ये हिंदुस्तान का सवाल है। इसलिए हमको इकट्ठा रहने की जरूरत है, हमको एकजुट रहने की जरूरत है। उसी एकजुटता को अगर हम लोग बना करके रख पाते हैं, उसको मजबूत कर पाते हैं, तो यह जो ज्वाइंट फोरम है उसके द्वारा हम ये मांग कर रहे हैं कि इस देश की तमाम सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, जो कहती हैं कि उनको संविधान में भरोसा है, जमहूरियत में भरोसा है, वो आने वाले शीतकालीन सत्र में जो सिटीजंस अमेंडमेंट बिल लाया जा रहा है उसका पुरजोर मुखालफत करें, उसका विरोध करें। अगर वो विरोध नहीं करेंगे तो सड़कों पे इस आवाज को हम लोग बुलंद करेंगे और सड़क की ये लड़ाई संसद को भी हिला करके रखेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आप तमाम लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ। शुक्रिया। इंकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। सर स्लो।